हमारी समस्या का ध्यान रखे, व्यवस्था कर सके और हमारे समस्या के साथ साथ हमें आगे के काम दिखाने व्यवस्था कर सके। दोस्तों आप सभी पधारे और इस शिलान्यास भूमि को आपने सफल बनाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। अनंत नंद प्रभु सिन्हा यही कर्म कहूंगा, आपकी व्यवस्था और हमारे सीपी जोशी साहब आपको सब बताएंगे, आदरणीय गहलोत साहब बताएंगे, लेकिन आपसे मेरी एक निवेदन है, आपकी व्यवस्था आपकी हैसियत बढ़ाने का काम किसे क्या डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने साल में 2 बार अभी हमारे कैंप लगाए, वो कृषि क्षेत्र में कैंप लगाए, किसान भाइयों की हैसियत बढ़ाने के लिए भी उन्होंने हमारे उनको बीज दिए, किट दिए, 6,000 रुपए दिए, कहीं बहुत कम दिया ताकि हम आगे कर सकें। डेयरी की व्यवस्था के लिए अलग से डेयरी का किया, हर तरह डेयरी के चिकित्सक डेयरी की व्यवस्था का केंद्र खोलें ताकि हमारा किसान लोग भी खेती के साथ उन्नत खेती कर सके, व्यवस्था कर सके और साथ ही पशुपालन से अपने आर्थिक स्थिति सुधार सके। और समय कम होने की वजह से आदरणीय गहलोत साहब और मुझे आपके पास सवाल है, आप सदा इनको बहुत बड़ी सफल पाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिलान्यास कार्यक्रम में कठी पश्चात समर स्थल की ओर बढ़ रहे हैं परम आदरणीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय अशोक जी गहलोत साहब समर स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। उनके साथ हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब भी समर स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की समरस्थली हल्दी घाटी की पावन माटी पर हमारे बीच में पधारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी का मैं मेवाड़ की तमाम जनता की ओर से आपका इस पावन और पुण्य धरती पर हृदय की गहराइयों के साथ हार्दिक नंदन अभिनंदन स्वागत एवं सत्कार करता हूं। साथ ही मैं हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे अपने विधायक माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत सत्कार और अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे बीच में गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय जी पंड्या साहब को भी मैं बड़े सम्मान के साथ मंच पर बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित करता हूं। कृपया आप भी अपने सम्मानित स्थान पर विराजित होकर हमें अनुग्रह करें। साथ ही मैं राजसमंद जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमान उदयराज जी साहब आंजना और गर्ग साहब को भी मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया आप पावन भूमि में इस वेलनेस सेंटर के वेलनेस सेंटर के भूमि पूजन एवं शिलान्यास के अवसर पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत, राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और इस क्षेत्र के विधायक परम श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति और जननायक परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी हमारे बीच उपस्थित हैं, सदन के निवेदन जोरदार तालियों से सभी अतिथियों का स्वागत करें। परम श्रद्धेय उदयलाल जी आंजना साहब राजस्थान के राजसमंद के प्रभारी मंत्री हमारे बीच हैं, श्री सुभाष जी गर्ग साहब आयुष मंत्री राजस्थान सरकार हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं, सम्मान का क्रम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा कि राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत परम श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, वे परम श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। कार्यकर्ताओं से निवेदन, स्वागत का क्रम यहां से संपन्न होने जा रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं परम श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर, गुलदस्ता भेंट कर, महाराणा प्रताप की छवि भेंट कर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब से एवं श्री बेरूलाल जी बीरवाल से वे मंच पर बधा रहे और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का स्वागत करें। श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब और आदरणीय श्री देवलाल जी गिरवाल साहब, निवेदन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का भावभरा स्वागत करें। सदन से निवेदन,
कि दिव्य विभूतियाँ आज हमारे बीच में हैं, इन सभी का भाव भरा स्वागत हम तालियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से करें। जब योग प्राकृतिक चिकित्सा का आयुष वेलनेस सेंटर इस दिन भूमि पर बनने जा रहा है, मैं निवेदन करूंगा श्री वैभव राज सिंह चौहान जी से वे आए, और आदरणीय श्री उदयलाल जी आंजना साहब सहकारिता मंत्री एवं राजसमंद जिले के प्रभारी मंत्री महोदय का स्वागत करें। आदरणीय वैभव राज चौहान, अगले क्रम में श्री कूक सिंह जी आप पधारें, और आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का भाव भरा स्वागत अभिनंदन करें। मैं प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा जल्दी से मंच पर पधारें। निवेदन परम श्रद्धेय सुभाष जी गर्ग साहब का स्वागत करें। निवेदन करूंगा प्रताप सिंह जी कुठवा से वे पधारें, और इस केंद्र की भूमिका जिनके माध्यम से लिखी गई, इस क्षेत्र के विधायक परम श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब का स्वागत भाव पर अभिनंदन करें। मैं सदन से निवेदन करता हूं उनके लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट इस सदन के माध्यम से गूंजे कि इतना शानदार केंद्र इस दिव्य भूमि में बनने जा रहा है। स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा स्वागत सत्कार के क्रम में निवेदन कर रहा हूँ जगन्नाथ प्रसाद जी डाकले एवं उनकी टीम जल्दी से आप मंच पर आ जाएं, और स्थानीय ग्राम पंचायत की ओर से हमारे सम्मानित अतिथियों का भाव भरा स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं निवेदन करता हूँ स्थानीय सरपंच साहब एवं उनकी टीम कृपया जल्दी से आप मंच पर पधारें, और स्थानीय ग्राम पंचायत की ओर से हमारे सभी माननीय अतिथियों का स्वागत सत्कार करें, अभिनंदन करें। मैं थोड़ी देर में ऑटो फ्री में फोन करूंगा आपने भी। एक बाइक भी हमारे साथ बनास के किनारे अरावली पर्वतमाला की दिव्य भूमि में जब इस आयुष वेलनेस सेंटर की परिकल्पना रखी जा रही थी, तो उस बीच अनेक लोगों ने इसके लिए यथासंभव सहयोग प्रदान किया, अनेक अधिकारियों ने इसके लिए अपनी सकारात्मक भूमिका रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। हम सभी का सौभाग्य है कि जो महाराणा प्रताप की भूमि है, जो भगवान श्रीनाथ जी की भूमि है, गंगा स्वरूप माता बनास का जो किनारा है, उस पवित्र स्थान पर यह वेलनेस सेंटर स्थापित होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम का। मैं बिना अन्य किसी औपचारिकता के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज आप इस पवित्र भूमि में उपस्थित हैं, आपका एक संकल्प कि आयुष और वेलनेस सेंटर खोलने का, जिसे इस क्षेत्र के विधायक और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने पूरा करने का प्रण किया, और सोने पे सुहागा वाली बात तब हुई जब देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति महोदय परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने यह निर्णय किया कि हम इसे मेंटरशिप देंगे और एक विश्व स्तरीय वेलनेस सेंटर जो नाथद्वारा की भूमि में स्थापित होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प की परिणति है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत उद्बोधन एवं अपना वक्तव्य प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ परम श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब को, राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय डॉक्टर।